This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर करने वाले हैं, ममीफिकेशन और अप्लाइंग ममी रिस्ट्रेंट। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से इंग्लिश लेक्चर का आपको लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी वीडियो को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल प्रोसीजर का क्या होगा? प्रोसीजर का टाइटल होगा अप्लाइंग ममी रिस्ट्रेंट और ममीफिकेशन। ये प्रक्रिया बाल स्वास्थ्य नर्सिंग की प्रायोगिक परीक्षा में की जानी होती है। इस प्रक्रिया में जो मेन हमारा एम होता है वो बच्चे की सुरक्षा बनाए रखना और अनावश्यक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। सबसे पहले हम आर्टिकल्स लेंगे। इस प्रोसीजर के लिए ज़्यादा हमें कुछ आर्टिकल्स नहीं चाहिए होते हैं। एक तो उपयुक्त आकार की कॉटन शीट चाहिए, प्रेफर करेंगे कि यदि स्क्वायर शीट हो, और एक ड्रॉ शीट विद मैकिंटोश। अब हम प्रोसीजर शुरू करेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें बताएंगे कि ये एक्टिविटी एक बच्चे की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए है और बच्चे की सेफ्टी के लिए है। इवन बच्चे को बेड से बचाने के लिए भी इस प्रोसीजर को किया जा सकता है। स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले बिस्तर के किसी कॉर्नर पर या जो भी हमारा वर्किंग एरिया है वहां हम मैकिंटोश और ड्रॉ शीट नीचे लगाएंगे। उसके बाद जो हमने स्क्वायर जो ये शीट है उसको इस हिसाब से बिछाना है कि डायगोनल रहे, ठीक है ना। ये लेफ्ट और राइट साइड हो जाएंगी, ये अपर एंड लोअर साइड हो जाएंगे। सबसे पहले जो ऊपरी सिरा है उसको हम मोड़ेंगे इस प्रकार, जैसे ये दिखाया हुआ है, शीट के ऊपर ही फोल्ड कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस शीट के ऊपर फिर बच्चे को रखेंगे। मदर को कहेंगे कि बच्चे को यहाँ लिटा दें, और इस हिसाब से लिटाना है कि जो ये फोल्डेड हिस्सा है ये बच्चे के शोल्डर तक आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड है उसको सीधा करके, और लेफ्ट हैंड की तरफ से जो ये लेफ्ट हैंड है शीट का, इसको हम पूरा बॉडी के ऊपर से लेके और इस हाथ के नीचे मोड़ेंगे और उसको बेबी के बॉडी के नीचे टक कर देंगे, जैसा कि इस पिक्चर में ये हमने दिखाया हुआ है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो नीचे शीट बची हुई है, जो लोअर एंड है, उसको हम राइट साइड के शोल्डर के ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ से फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, और जितना भी हिस्सा बचा हुआ होगा वो इस शोल्डर के ऊपर से, राइट शोल्डर के ऊपर से बॉडी के नीचे बैक की तरफ टक कर देंगे, और इस समय सारे रिंकल्स हम हटा देंगे। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो राइट साइड का जो ये सिरा है इसको रिंकल्स हटाते हुए बेबी के ऊपर से लेके जाएंगे, और पूरा जो भी पार्ट बचेगा वो बेबी के नीचे टक हो जाएगा, और फाइनल लुक इस प्रोसीजर के बाद बेबी का ये आएगा। और उसके बाद ये जो ममीफाइड बेबी है वो हम मदर को दे देंगे, मदर उसको अपने बेड पे ले जाएगी, और या अगर प्रोसीजर करना है तो कोई प्रोसीजर कर सकते हैं, अदरवाइज बच्चा वहाँ पर रेस्ट करेगा, लेट सकता है, सो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।